दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गुमिंग से के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज आमाज, जहाँ देखने को मिलने वाला है विराट बहुत बुरी तरह से श्रुति पर भड़कते नजर आएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर श्रुति को कंसर्न हो चुका है विराट के लिए, तो वही सई और विराट का आमना सामना होगा आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है। सई को पुलकित यहाँ पर समझाते नजर आता है और कहता है कि विराट ऐसा लड़का है जो कल आज तुम्हें छोड़ा है कल किसी और को छोड़ देगा और वो श्रुति को भी छोड़ सकता है। तुम्हें क्या लगता है उसको अटैचमेंट है? कभी अटैचमेंट नहीं है और वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। वो एक के बाद एक धोखेबाज है और वो धोखे देता रहेगा। वो सही कहती है मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती पुलकित से जो, और मुझे लगता है कि मुझे उनकी अच्छाइयों का तो फल उन्हें देना ही चाहिए। उन्होंने भी मेरा साथ जब दिया था जब कोई मेरे साथ नहीं था और मुझे सहारे की जरूरत थी। मैं भी उन्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। अब तो उन पर श्रुति की और साहस की भी जिम्मेदारी है। पुलकित के समझाने पर भी सही नहीं रुकने वाली और DIG सर के ऑफिस पहुंच जाती है। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती हैं जो कि देखकर DIG के होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर सही समझाती है कि मैं उनकी सिर्फ जिम्मेदारी थी और वो मुझसे शादी थोड़ी करना चाहते थे। वो जिम्मेदारी के लिए और मुझे सहारा देने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। और DIG को पूरा यकीन होता है कि सही झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि सही को थोड़े चक्कर आते हैं तो DIG उसको थामते नजर आते हैं और उसको पता चलता है कि उसको फीवर भी है और उसकी तबीयत खराब है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ विराट को श्रुति समझाते नजर आती है और कहती है कि तुम खाना खा लो टैबलेट ले लो, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से उस पर गुस्सा होता है कि ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। उस पर गुस्सा होते नजर आता है, लेकिन श्रुति कहती मैं तुम्हें इस तरह से तो नहीं देख सकती ना, इससे अच्छा तो मैं जेल चली जाऊं। और श्रुति भी उसके लिए काफी परेशान है, लेकिन विराट गुस्से में वहां से निकल जाता है ऑफिस के लिए और वहां पर आमना सामना होता है और उसे तलाक की एक डॉक्यूमेंट की कॉपी उसे दे देती कि आपको जरूरत पड़ सकती है। और वो एक दूसरे को ताने देते नजर आते हैं। विराट को उससे उम्मीद थी कि वो उसे समझेगी, लेकिन सई को उम्मीद थी कि वो उसका रिश्ता निभाएगा और दोनों की उम्मीदें फेल हो चुकी हैं और इसी बात पर दोनों एक दूसरे से नाराज नजर आते हैं। तो वहीं विराट कर DIG के पास पहुंचेगा और अपने सबूत देने के बजाय अपना इल्ज़ाम कबूल कर लेगा और कह देगा आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। और विराट सही पर जाकर भड़कते हुए भी नजर आएगा कि और उठ के डॉक्यूमेंट्स वापस थमा देता है कि मुझे तुम्हारे एहसानों की ज़रूरत नहीं है। और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों की गलत फहमियाँ श्रुति कैसे दूर करती हैं।